एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। आज हम लोग बना रहे हैं राजमा, जो कि दिल्ली का बहुत ही फेमस पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, जो कि ऑफिस के टाइम में बड़ा कॉमन, दोपहर के लंच के टाइम में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और हर जगह मिल जाएगा, रोड साइड मिलता है ये और बहुत ही टेस्टी होता है। तो जिसको बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ इसमें, और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल पड़े हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, और आप जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और प्लीज़ कर दीजिए समद किचन को सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन। राजमा मैंने ये लिया है, करीब 200 ग्राम राजमा, इसको रात भर भिगो लिया है, जो कि अब फूल के बड़ा हो गया है और ऐसा दिख रहा है। तो आप भी कम से कम अगर रात भर नहीं भिगो रहे हैं तो 6 से 7 घंटे के लिए ज़रूर इसको सोक करके रख दें पानी में, तो ये ऐसा दिखने लगा। और हम इसको बॉयल करेंगे, तो इसको एक कुकर में मैं डाल देती हूँ, और इसका पानी इसी कटोरी में जिसमें फुला के रखा है उसमें 2 कटोरे भर के पानी डाल देती हूँ। और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक, और ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और ये एक पत्ता। इसको आपको 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना पड़ेगा, क्योंकि राजमा थोड़ी देर से गलता है। और अगर आप जल्दी में हैं, जल्दी इसको गलाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा, यानी कि 1/4 आप डाल सकते हैं इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, तो इससे ये जल्दी गल जाएगा। तो जब तक हमारा राजमा उबल रहा है और गल रहा है, तो हम आगे के मसाले तैयार कर लेते हैं। पैन में 1 चम्मच 1 टेबल स्पून तेल लेके इसको गर्म कर लेंगे, और इसमें डालेंगे 1 बड़ी कटी प्याज, महीन कटी हुई, इसको भी तल लेंगे, प्याज को गुलाबी होने तक तलेंगे। दाल हो गई, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन, और इसके साथ इसको भून लेंगे। एक से दो मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम पाउडर मसाले, मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ा सा पानी, जिससे ये सूखे मसाले जले नहीं। इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राजमा में हल्दी नहीं पड़ता। नमक हमने इतना डाला है, आधा चम्मच इसमें डाला, और आधा पहले ही हम राजमा जब उबाला था उसमें डाला था, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। और इसको मीडियम से लो आंच पे भून लीजिए, मसालों को जब तक भूनेंगे जब तक इनसे भुनी हुई खुशबू ना आने लगे, तो चलाते रहिए जिसमें ये जल ना जाए। मसाला भुन चुका है, अब इसमें 2 बड़े चम्मच टमाटर की प्यूरे डालेंगे, अगर आपके पास प्यूरे नहीं है तो आप पिसा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं, 2 बड़े टमाटर पीस के उनको डाल दें। तो प्यूरे डालने से ये होता है कि कलर भी अच्छा आ जाता है, और हमको मसाले को बहुत देर तक पकाना भी नहीं पड़ता। 5 मिनट तक इसको धीमी आंच पे ऐसे चला के भून लीजिए, जब मसाले में थोड़ा तेल निकलने लगे बाहर तो इसका मतलब ये भून गया है। अब इसमें डाल देते हैं हम गरम मसाला, ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है, गरम मसाला डाल दीजिए। ये मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच छोटा चम्मच शक्कर, इससे क्या होगा मसाले में शाइन आ जाएगी और अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये मसाला हमारा भुन गया है, अब इसमें डालेंगे उबले हुए राजमे। ये देखिए राजमा बिल्कुल गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया, आप भी अच्छी तरह गला लीजिए इसको। और इसके बाद इसका पत्ता हम निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम डाल देते हैं ये मसाले में जो हमने तैयार किया है। तो ये राजमा डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं, चारों तरफ से मसाला जो पैन में भरा हुआ है इस लेते हैं इसमें, और ये एक सा हो जाता है। और आप देखिए इसको अब हम पकाएंगे धीमी आंच पे, एक बार पहले इसको खोल जान देते हैं, और उसके बाद इसकी आंच कर देंगे धीमी, और पकाएंगे 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच में, तभी इसका टेस्ट डेवलप होगा। तो ये अब बॉयल होना शुरू हो गया, इसके हीट को कर देते हैं लो, और इसको ढाँक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक ये धीमी आते हुए अब हम खोलते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल तैयार हो गया राजमा हमारा, अब हम इसको सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सर्व किया है राजमा को राइस के साथ, जिसके साथ बहुत अच्छा लगता है, दिल्ली का फेमस फूड है ये राजमा राइस। इसको आप थोड़ी सी हरी चटनी, पुदीने वाली हरी चटनी और प्याज के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है इसका, बहुत लाजवाब टेस्ट है।
और आप एक बार बना के ज़रूर देखिए इसको और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। वीडियो के नीचे आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और करें सब्सक्राइब समद किचन को। समद सब्सक्राइब करते ही आपको मिलेगी बेल का आइकन, एक घंटी बनी होगी, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को भी प्रेस करें, जिससे कि आपकी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।